हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से पावनी का पहला गाय। होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी बजे हैं 8:30 और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी लेट से हो रही है आज, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप आई थी। तो मैंने सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले ही बहुत सारे कपड़े धो दिए थे, तो अच्छी सी धूप आ रखी है आज। और मैंने थोड़े से बाहर पे गेहूं भी रखे, मेरी अम्मा ने धूप में डाल दिए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट और मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आ गई है, तो आप देख सकते हो इतनी अच्छी सी धूप आ रखी है। कल भी तो अच्छी थी वैसे धूप, तो मैंने सोचा सुबह सुबह मैं फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, जल्दी सूख भी जाएंगे। इसलिए अम्मा ने गेहूं भी डाल रखे हैं थोड़े से, क्योंकि धूप में अच्छे सूखते हैं तो फिर आटा अच्छा होता है, बोलती है अम्मा। तो आज बहुत तेज धूप लग रखी है और दिनों तो 8-9 बजे सबके गाय भैंस बाहर होते हैं। आज सब ने गोट में बांध दिए, क्योंकि ज्यादा तेज धूप लग रखी है तो सब ने गोट में बांध दिए। आप देख रहे हैं पीछे पे किसी के भी गाय भैंस नहीं है आज हमारी बाखली में, तो सबने गोट में बांध दिए हैं। इसलिए तो मैंने भी जस्ट अभी नाश्ता कर रखा है, क्योंकि मैंने पहले कपड़े वगैरह धोए थे, फिर गेहूं डाले थे, उसके बाद जस्ट मैंने नाश्ता किया है। तो दोस्तों, अभी बजे हैं दिन के 11:30, तो हम बैठे हैं बाहर आम की पेड़ की छांव में। तो यहाँ पे गेहूं डाल रखे हैं, कहीं बंदर खा देंगे करके अम्मा दिन भर आज बाहर ही बैठ रही है न अम्मा। और हमारी छोटी छोटी गीठी भी लगने लगी है, ये रही उधर पे, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। अभी तक हमारी तुरई नहीं लगी और तुरई के ऑर्डर इतने सारे आ गए हैं अम्मा। को कोना बताते हैं जी, मैं चेंगे ये ना चेंग क्यों होना तुझे होला मनी गायियां पे दिया होना अच्छा, और एक ड्यूरन क्या, एक ड्यूरन भी ना भी दिया होना हाँ और तो अभी तुरई लगे नहीं है, ऑर्डर पहले से ही आने लगे हैं पता नहीं लगते कब हैं। बहुत बड़ी बड़ी बेल और रखी है नीचे पे, मैंने पहले ब्लॉग में आपको दिखा रखी थी। आज मैं असौज में लगेंगे, असौज तो असौज हिल में ना, तो ये छू भदो मैन असौजा मैन लगा लूंगा अम्मा, पता नहीं कब लगना। तो दोस्तों, अभी बजी है शाम के 5, तो मेरी अम्मा चली गई है शायद घूमने, तो एक बार माल मोहल्ला जाती तो आई नहीं नीचे, एक बार मैं भी जा रही हूँ उनके घर। तो आज मैं माल मोल बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, और हमारे यहाँ पे अब लकड़ी भी थोड़ी सी बच रखी है, क्योंकि हम यहाँ से लकड़ी अपनी कथा में ले गए थे, तो अभी थोड़े से हैं यहाँ पे भी, और थोड़ी सी लकड़ियाँ मेरी अम्मा ने पहले ही गोट में रख दी कि बारिश आएगी करके भीग जाएंगे, तो फिर हम जलाएंगे कहाँ से करके। और यहाँ काफ़ी घास भी हो रही है आजकल, और यहाँ पे खेणू का पेड़ जिसके दाने भी लग रखे हैं। बचपन में तो हम बस यहीं रहते थे, स्कूल से इसी रास्ते से आते थे प्राइमरी स्कूल, एक यहाँ पे ऊपर पे इसकी जड़ में रहते थे और दूसरा यहाँ पे दिन भर, और काफ़ी टेस्टी होते थे। आजकल तो बंदर भी ज़्यादा ही लग रखे हैं, सब खा देते हैं पहले ही, तो आजकल नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। और जो तिमुल होता है वो भी बहुत टेस्टी होता है, और कच्चे तिमुल की तो सब्जी भी बनाई जाती है। तो पता नहीं आरती भी है नहीं है घर पे, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ मलमोल कमोदी लोगों के घर पे, तपन चाचा लोगों के घर पे। तो मैं यहाँ पे पहुंची तो आरती घर पे नहीं है आज, पता नहीं कहाँ गई है। और यहाँ पे आरती लोगों के घर के सामने काफी अच्छे फूल भी हो रखे हैं, जो हेमादी ने लगा रखे हैं, तो मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है, क्योंकि गाय गोट में है तो मच्छर नहीं खाएंगे करके। और ये हूँ मजेट वाला फूल जो मजेटी लगाते हैं, हाँ वही है, स्मेल से ही पता लग रहा है। और ये सब फूल लगा रखे हैं, हाजरी का फूल, और ये तुलसी, और वो तीखे करेले हैं वहाँ पे, और यहाँ पे लौकी का बेल लगा रखा है, और धुआं तो ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे। तो आरती लोग तो कोई है नहीं घर पे,
तो आरती आ गई है, बता दिए कहाँ गई थी, कहाँ गई थी आरती, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी मेघा के वहाँ, कहाँ गई थी तू, तो ये गई थी अपनी फ्रेंड के वहाँ। और हिमादी घास काट के ला गई है, बरखा होगी जब इतना फूल भर झाड़ कर ला गई मदी धान मेल पे आगे। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर को तालमोल, मालमोल से, और टाइम भी ज़्यादा हो गया, पता नहीं मेरे को अम्मा भी डांटेगी शायद, क्योंकि जब मैं ऊपर आई अम्मा घर पे नहीं थी, अभी मेरे को आवाज़ आ रही थी, अम्मा बोल रही थी। और यहाँ पे खूब सारी पार्टी हो रखी है, तो ये मंदिर में चढ़ाने के काम भी आती है, और कान में दर्द होता है तो उसके काम भी आती है, कान में दर्द से मतलब इसका रस डालने से ठीक होता है। क्या होता है, एक बार पता चल रहा है, आज अम्मा डांटती है मेरे को, देख रही है तो डांटेगी आरती मेरे को, ज्यादा ही डरा रही है यहाँ पे, अम्मा मारेगी करके। अम्मा बोल रही है पानी तो अपना हाथ पनिहार के न गई, तो अम्मा जा रही हूँ मैं, मल मूल जा रही हूँ। क्या हुआ, मैंने सोचा कहाँ से तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 हो गए हैं, अब हम जाते हैं धारे पानी भरने, मैम ने बोला था क्या बोल रहे हैं झंडा होता। तो अभी गाय भैंस बकरी सबके भारी हैं, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, गोट में तो काफी गर्म होता है, और वहाँ पे धुआं भी लगा रखा है मच्छरों की वजह से, तो आप देख सकते हो। और ये मेरे कान पे बोल रही है मिश्री लेके आना, ये बहुत चालाक है, लेके क्यों नहीं आई, मेरे को देर हो रही थी, आहा जूस है, जूस वो तो पानी है सिर्फ, क्या पता। तो यहाँ पे मैंने छज्जे में पानी की बोतल रखी है, आरती पहुँच ही नहीं पा रही है, गुड 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 पहुँच गई। तो इसमें ठंडा पानी अभी साक्षी भर के लाई थी, दे दे यार थोड़ा मेरे को भी जूस है, जूस है ना, जूस अड्यू अड्यू तो आरती को लगा ड्यू है उसमें और ड्यू होता तो मैं इसके लिए रखती है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ आरती है। तो अम्मा घूमने गई थी तो साथ में लौकी भी लेके आई है, तुम उन्हें जो है पहाड़ी में, ये पहाड़ी तुम छन, और ये सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हूँ। और यो दी रहा अम्मा दगड़वैल परी लम्बाल, शीला चाची की सास ने दे रखा है, आज हम इसकी बनाएंगे सब्जी। और अम्मा ने इसको बिस्किट दे दिया, खाने लगी, मेरा मत खाना मार देगी। तो आज मैं ले जा रही हूँ घड़ा, उसमें थोड़ा सा कल वाला पानी है, आरती उसको गिरा रही है, अम्मा कपड़े उतार दिली प्लीज। तो मैं ले जा रही हूँ गगेज, और आरती खोने पहन दो चीनी चीनी हूँ दिखा चीनी तो है गजब है क्यों यो। तो दोस्तों मौसम काफी खराब हो रहा है, अम्मा घर बैठी धार लगोने फटाफट बेला पौन बेल नदी बर्फ में बिजली तो बुहार आ जाल बल, तो अब हम फटाफट बेलू ना, जल्दी आ जल्दी आ आरती जल्दी हो, मौसम खराब होना। तो यहाँ पे हम रुक गए हैं, भावना की मम्मी आरती को बोतल दे रही है पानी भरने के लिए, ये पगैल बैठ के दिन में मच्छर और इसको ढोलक बजाना भी आता है, बहुत अच्छा वाला बजा दो, ओ बिना कस के जान डर हटा, ओ बिना कस के जान डर हटा, हिटे हिट चाली चल बनाना बजाना, हिटे हिट चाली कोती के जान डर हटा। तो कभी ये ढोलक बजाएगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी ब्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आरती लेके आ गई है बोतल कुंदी अम्मा का, हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो, मेरी दीदी पानी भरने को लाइक सब्सक्राइब शेयर और वायरल कर देना। ओके थैंक यू सिस्टर, तो मेरी सिस्टर बोल रही है लाइक कर रहे हो ब्लॉग्स बनाने में, आपको पता नहीं पहाड़ों की डेली लाइफ स्टाइल दिखाने में तो बहुत मेहनत लग रही है वैसे, तो
ज्यादा ही आ गया यहाँ तो हमारा खेत भी आने वाला है यहाँ तो यहाँ पे बारिश की वजह से पूरा नीचे आ गया है। ऊपर पे हमारा खेत भी है, कहीं हमारा खेत ना आ जाए आज रात, कहीं हमारा थोकजरा मॉल रोड में ना पहुंच जाए आज। तो यहाँ पे काफी ज्यादा नीचे रात की बारिश की वजह से पूरा निकल गया नीचे को, भूस्खलन टाइप का उधर की ओर रही। तो पीछे से हमारी चाची भी आ रही है धारे पानी भरने, एक जर्किन और एक गगर लीवे पुसिल चाची ननी नैन नल्ली लीवे उड़ान। रोड में कती रोड में जन पूछना है मैं चाची को वही रहते कती रोड में वह जन करना वह को करूँ फिर तो वह छोड़ो नहीं उधर है? आ, तो क्या नहीं है? तो हम पूछ गए भाड़ी पनियार, तो अब हम भरना पानी और पहली अजय बाफिला तो आरती भर रही है पानी, चाची को मेहर भर दी और आरती बहुत चालाक हुआ फोन भरने लगी है। चाची बैठकर गर्म है जा और ये गमरा दीदी और मैं सर अभी भी यहाँ पे बैठी हैं। आरती और अज्जू यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं पानी में। आरती बोल रही है तुम अगर लाइन नंबर दूसरा बोल रही हो, जल्दी बन नहीं थोड़ा चाची भैंस मुझे उनको तो चाची के गाय भैंस बाद में और बकरी तो बोल रहे हैं फटाफट। और आरती को दी दिया चाची को दैस दी बोल रहे बगैर आरती है मगर की गला चाची बाय बाय जाने लग गई है हम आराम से जाएंगे और आरती दिखाने में लग रखी है उनको। तो दोस्तों हम आ गए धारे से, आज तो काफी अंधेरा हो गया मौसम खराब की वजह से, तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय देव भूमि उत्तराखंड।